बहुत बड़ी गलती हो गई है। काश कि मैंने उसके आशिक के साथ साथ उसका खेल भी खत्म कर दिया होता, तो आज वो लड़की मेरी माँ के हक पर डाका नहीं डालती। कसूर सिर्फ औरत का नहीं होता है, जब किसी सुहागन के हक पर डाका पड़ता है ना, तो उसमें उसका मर्द बराबर का शरीक होता है। इल्जाम सिर्फ औरत पर होता है। माँ सैड जो भी हो, बाबा साईं से ये उम्मीद नहीं थी। वो अगर रखना ही था उस लड़की को तो निकाह करके हवेली लाने की क्या जरूरत। मैं भी जाकर बात करता हूं उनसे। आज रात सारा हिसाब किताब होकर रहेगा। नहीं मीरल, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो आंधी आनी थी वो आ चुकी, उस तूफान से जो नुकसान होना था वो भी हो चुका। इस वक्त वो लड़की तेरे बाप के हवास बरता रही है, तेरी कोई बात उसकी समझ में नहीं आएगी। जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे, जल्दबाजी में कहीं सारा खेल ही ना बिगड़ जाए। ना बाबू से पूछा है कि ये किधर लेके घूम रहा था इतना माल शाल और पैसा। हाँ बाबू, गोलिया याद है चोर का? नहीं। और एक बात बता, इतना माल जेवर पैसा तेरे पास कहां से आया? थानेदार जहांदार ने तफ्तीश शुरू की ना, तो सबसे पहले तुझसे शुरू होगी। मुझसे भी तफ्तीश कर लीजिएगा थानेदार साहब। पहले उसको तो ढूंढ ले जो मुझे लूट कर गया है, कहीं बहुत दूर ना निकल जाए। उसने किधर जाना है, और इस इलाके के हर चोर चक्के पे नजर होती है हमारी। मतलब जानते हैं आप सबको? मेरा मतलब है कि इतना सा तो इलाका है, झोंक से आज बंदे से बंदा टकराता है, किधर नहीं जाएगा। फिक्र ना कर, ये सब इंस्पेक्टर असगर है, इसको ओलिया लिखा दे, करते हैं सुबह कुछ। और जो भी माल बरामद होगा उसका आधा हिस्सा थाने के माल खाने में जमा कराना है तुम्हें। ओके जी, मेरे यहाँ हलाल की कमाई है, आधा माल जमा क्यों कराना? अब बहू सरकारी हमारा तो ये